गुड इवनिंग एंड वेलकम टू कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा यार तेरे पास 500 का छुट्टा है? नहीं यार। तो ले आओ ना, मुंह के देख रहे हो। 500 का नोट तो दे। नोट होता तो मैं यहाँ खड़ा होता। मुफ्त है अच्छा, मतलब घर में चावल नहीं पुलाव खाना है। मेरी बेइज्जती कर दी तुमने। बेइज्जती वाली कौन सी बात है, मैंने पुलाव बोल के इज्जत दी है। नहीं तो ध्यान से देखो इसका मुंह, तो वो सरकारी अस्पताल में पतली खिचड़ी नहीं बनती, वैसा मुंह तेरा। भाई मेरा मुंह ऐसा है, मेरा मुंह वैसा है। आपने कभी अपना मुंह देखा कि आपका मुंह कैसा है? हाँ कैसा है? माइंड ब्लोइंग, फैंटास्टिक। कैसे आपके लिए अपने मुंह से कोई गलत नहीं ना निकलता, तो आपके दिल से मेरे मुंह के लिए कुछ अच्छा नहीं आ सकता? नहीं मैं कल सोचा था तेरे बारे में। क्या? मुझे लगा तेरा मुंह गुलाब जामुन जैसा है। हाँ, ऐसी बातें किया करो। हाँ, पर मैंने गुलाब जामुन नाली में गिरा हुआ देख लिया भाई। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मेरा मुंह जितना आप देखते रहे हो, इतना अगर आपने देश की इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया ना, तो आज रुपया डॉलर से ऊपर होना था। अच्छा चवन्नी वाला मुंह लेके आप डॉलर की बात करो, बहुत बड़ी बात। पता कितना खुशी का दिन है आज मेरे लिए। खुशी है किस बात की तेरे को? भाई आज मेरे बेटे का बर्थडे है। तू खुश क्यों है फिर? खुशी इस बात की है कि मैंने बर्थडे पे गोविंदा जी को इनवाइट किया है। क्या? हाँ, और गोविंदा जी मेरे घर पे आ रहे हैं। तेरे पास घर कहाँ से है? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे आप व्हाइट हाउस में रहते हो। वो सच्ची में तुम्हें यहाँ पर आ रहे हैं? पक्की बात है? हाँ पक्की बात है। मैं नहीं मानता यार। ठीक है फिर आप मत मानो, मैं अभी उनको इनवाइट करता हूँ। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बॉलीवुड के एंटरटेनर नंबर 1 मिस्टर गोविंदा। हेलो गोविंदा जी, कैसे हैं आप? कपिल, मतलब इस शो को शुरू हुए काफी देर हो गई जी। जितनी भी एंट्रियां हुई हैं ना जी, मतलब 2 मिनट में 2 घंटे का मजा इनकी एंट्री पे आया। अच्छा इतना काम करके नहीं थकते, इन्होंने एंट्री पे थका दिया। आप बात कर रहे हो, आया कि नहीं गोविंदा जी? बात करो पहले जी। हेलो गोविंदा जी, नमस्कार, कैसे हैं आप? कौन है? कर बात, उन्होंने इनवाइट किया ना। गोविंदा जी मैं, हेलो मैं कौन? आप भी इनके साथ मिल गए। गोविंदा जी मैंने आपको इनवाइट किया था। मैं? गाड़ी वाड़ी पार्क होगी ना आपकी? अच्छे से क्या होगा? नहीं मैं गोविंदा सर, एक तो पहले नहीं ये मान। अच्छा गाड़ी वाड़ी आपकी सही पार्क होगी ना? हाँ हेलीपैड पे है, तो पंगा वंगा बोझ ना पायलट गाड़ी में, ख्याल रखना। हेलीकॉप्टर का लोगो उतार के बेचते थे 250 रुपये में। भाई इनको पता ही नहीं हेलीकॉप्टर का लोगो कभी होता ही नहीं है। जा यार। किसका होता है फिर? गाड़ियों के होते हैं। देखा चोर की दाढ़ी में तिनका पकड़ा गया कि नहीं? तो चलो मैं तो गाड़ियों के लोगो बेचता हूँ, चुराता हूँ। चलो मैं तो लोगों के गाड़ियां चलाता हूँ। चलो 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 चल।
चल रहा हूँ चक्कर हो जा। चलो मैं तो चलो मैं तो गाड़ियों के लोगों चुराता हूँ, गोविंदा जी तो लोगों के दिल चुराते हैं। वाह, ये तो फिर डायरेक्ट चमचागिरी हो गई ना। चमचागिरी नहीं है ये, मेरा प्यार है गोविंदा जी के लिए। तेरा अपनी बीवी के साथ प्यार नहीं, तेरा उनके साथ प्यार कैसा हुआ? आपको पता भाई इसकी बीवी जमीन पे सोती है छत पे सोता है? मेरे बारे में ज्यादा इनको पता है, मेरे को तो आपको पता है पासपोर्ट वाले को फोन आता कहते हैं आपके शरीर पर कोई निशान है, मैंने कहा कपिल शर्मा को पूछा उनको मेरे बारे में ज्यादा पता है। मेरे बेटे का बर्थडे है तो आप आए, बहुत बहुत खुशी की बात है। तो अभी मैं खजूर को लेकर आता हूँ। ये है कौन? मैं ले आऊँ बेटे को? फाइन, थैंक यू मैं अभी आ रहा हूँ मैं अभी। खजूर गोविंदा सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पर आपको तो बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे एक्टर हैं जो किसी और प्रोफेशन में पहले हुआ करते थे, जैसे राजकुमार साहब वो पहले पुलिस में थे, फिर रजनीकांत साहब वो बस कंडक्टर थे, पर एक गोविंदा सर ऐसे हैं ये जब से इनको देख रहे लगता है ये फिल्मों के लिए ही बने थे। बिल्कुल सर के लिए एक बार जोरदार ताली आ जाए, और भी ढेर सारी बातें करेंगे। पाजी आइए प्लीज, यहाँ विराजमान हो जाइए। अच्छा गोविंदा पाजी इतने कमाल के डांसर हैं, एक्टर हम सब जानते हैं, जब ये डांस करते हैं ना सामने वाले के कपड़े उतार देते हैं। हाँ मैंने बहुत फिल्मों में देखा सर। अच्छा एक फिल्म ये नजारा मुझे भी देखने मिलता है। आई एम टॉकिंग अबाउट सामने वाला एक्टर नॉट हीरोइन। एक फिल्म थी राजा बाबू जिसमें गाना था आई ओ ओ। हाँ तो राजा बाबू में ये और शक्ति सर, शक्ति कपूर साहब, ये नाच रहे थे तो वो कच्छे में आ गए। हाँ। तो सर वो शुरू से ही कच्छे में थे कि बाद में आपका डांस देख के पैंट उतर गई? शक्ति कपूर जी तो ऐसे हैं कि जिस वक्त पैंट पहनी होती है तभी मुझे सिर्फ कच्छा ही नजर आता है। उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है। अगर कहीं आपको ऐसे कोई रास्ते में कोई अजीब सी चीज मिल जाए, जैसे कभी कभी लोग हमें मिलते हैं ना भाजी कि अच्छा यार फटाफट एक चुटकुला सुनाना फटाफट, तो आदमी की जा रहा है, आपको तो कितनी सारी चीजें फरमाइशें करने वाली हैं, सर एक डायलॉग सुना दो, सर थोड़ा डांस हो जाए, कभी आपको बोलते नहीं लोग कभी आप मिलते हैं एयरपोर्ट पे या कहीं? ये कमाल होता है, मुझे बहुत से ऐसे सम्मान स्थान के लिए बुलाया जाता है कि यहाँ पे आप मतलब पुरस्कार तो ऐसे जल्दी मिलते नहीं है जो कमर्शियल एक्टर होते हैं उन्हें, तो खैर जिस वक्त मुझे बुलाया जाता है और तो मुझे पुरस्कार अभी मिला भी नहीं होता है, और इतने में तारीफ में ये कहा जाता है सर थोड़ा सा तो सर डांस तो तो उसी के लिए शायद वो डायलॉग पिक्चर में था, नहीं मैंने डाला था वो पिक्चर में। अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो का? कितना नचा रहे हो। अच्छा आमतौर पे पाजी जब हम लोग फिल्म की शूटिंग करते हैं मैं ये बात कह सकता हूँ बिकॉज आई हैव डन मूवी। अच्छा मैं अपने कोरियोग्राफर को बोलता था भाई ये थोड़ा संभाल। और मैं ये खास तौर पे आप लोगों से कह देना चाहता हूँ, ये लोग बहुत तारीफ करते हैं, सम्मान करते हैं, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आए हैं, ऐसा हाजिर जवाब और ऐसे कमाल का बुद्धिशाली और उसके साथ साथ बहुत तमीज़ में, जिसे हम कहते हैं कि बा तहजीब बा नसीब और नहायत ही अच्छे सूझबूझ के साथ में, उसके बावजूद वो वहीं पे है और काफ़ी समय से कामयाब है और अभी तक उसमें ज़रा भी घमंड और इस तरह की चीज़ें नहीं आई है, कहिए मैं क्या व्यक्ति है जिसकी तारीफ कर रहा हूँ। सिद्धू भाई अच्छा। ए सर थैंक यू, शुक्रिया आपके प्यार के लिए। मैं जैसे बात कर रहा था कि हम पाजी के डांस देख के मैं तो सीख ही नहीं पाया चाह के भी, पर कुछ ना कुछ हम कोशिश करते सीखने की, तो ये सब चीज़ें भी सर हम लोग आपसे बहुत सीखते हैं। थैंक यू। जो आप में है ये, और ये हर किसी में होना भी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि लोगों का प्यार है जो आपको यहाँ तक लेके जाता है। और एनीवेज अच्छी अच्छी बातें ज़्यादा बोलता हूँ तो लोगों को लगता है मैं इलेक्शन में खड़े होने वाला हूँ। हमें भी सूट नहीं करता। अच्छा मैंने जब फिल्म की ना भाई मैं अपने कोरियोग्राफर को हमेशा ये बोलता था भाई ये वाला स्टेप कुछ देख लो अपने आप संभाल लेना, पर आप इनको वैसे ही कोई 10 स्टेप देना ये 150 करके जाते हैं। तो आप कोई कोरियोग्राफर ऐसे बोलते नहीं थे सर मेरे को जितना आता था मैं बता दिया बाकी आप संभाल लेना, ऐसा बोलते थे आपको वैसे कोरियोग्राफर? मुझे ऐसा कभी नहीं कहा गया, मुझे इस वक्त ये हुआ करता था कि इतना ज़्यादा मैंने देख लिया था कि बहुत सारे जितेंद्र जी हो, श्रीदेवी जी हो, मिथुन चक्रवर्ती जी हो, आप जितने भी मेरे जो सीनियर एक्टर थे आप लोग जिस वक्त मेरे साथ इवेंट पे आते थे शो पे आते थे उन लोगों को उनकी फिल्म्स के स्टेप्स नहीं पता होते थे। कई टाइम मैंने ये कहा कि सर ये स्टेप ऐसा नहीं है आपकी फिल्म का, ये ऐसा हुआ था। वे क्या कर रहा है?
आपका बचपन से बहुत बड़ा फैन हूँ। अब तेरी कौन सी बुढ़ापे की पेंशन शुरू हो गई है? बचा ही है तू। ओए, ये क्या पहन के घूम रहा है? वो डॉक्टर अंकल ने कहा कि बर्थडे पे तुम्हें एक नई ड्रेस गिफ्ट करेंगे, उसके चक्कर में मैंने सारे कपड़े धो दिए। अच्छा, और जब मैं गिफ्ट लेने आया तो ये ड्रेस गिफ्ट कर दी। ओहो, पर घर से कुछ तो पहन के गया हुआ है ना तू? अंकल अब बात का मजा लो, डिटेलिंग में क्यों जा रहे हो? शुक्र है उन्होंने तेरे को गिफ्ट कर दिया, नहीं तो अपनी बेटी के टाइम पे तो बाजी उन्होंने गिफ्ट ही नहीं किया कुछ भी। उसको इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया। ऐसे नई मशीन आई तुझ पे, मैं उद्घाटन करना चाहता हूँ। इतना बदतमीज है डॉक्टर। क्या भाई, इतने गुस्से में हो बर्थडे बॉय, व्हाट इज द रीजन? गोविंदा जी बैठे हुए हैं, नाइस टू मीट यू, आई एम डॉक्टर मिश्र गुलाटे। मारेगा तो नहीं? क्या गुलाटे? गुलाटे डॉक्टर साहब, आपको शर्म नहीं आती? आपने बच्चे को पुरानी ड्रेस गिफ्ट दे दी आपने? नहीं नहीं, ये पुरानी नहीं है, बस दो बार ही पहनी हुई है सर लाने, पुरानी तो नहीं है। और दो बार भी कैसे पहनी बताओ सही? एक बार एक साल के लिए, उस दूसरी बार जब तक इसको गिफ्ट नहीं दी तब तक पहनी उसने। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों वाली गिफ्ट दे दिया उसको, बेचारो लड़की का सूट दे दिया। अरे लड़कियों के कपड़े पहन पहन के सिद्धू साहब, लड़कों ने ना गाड़ियां ले ली, आपको पता नहीं है? सही कहा तूने गुरु, बच्चे के साथ इतना बड़ा धोखा। गोविंदा अंकल एक ड्रेस के लालच में मेरे से पूरे साल इंजेक्शन में पानी भरवाते रहे। बेटा वो तो मैं तेरे को फ्री डॉक्टर बनने की ट्रेनिंग दे रहा था। इंजेक्शन में पानी भरने से कौन डॉक्टर बनता है? तुम्हारे सामने जीता जाता एग्जाम्पल है। गोविंदा अंकल ये बहुत बड़े बदमाश है, एक बार इनका एक ऑपरेशन फेल हो गया, मुझे आगे करके कहते हैं भाई साहब बच्चे से गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए। यार मैं तेरे को गिफ्ट दे रहा हूँ तो मेरी बेइज्जती करे जा रहा है? जा केक लेके आ, मेरे डिनर का टाइम हो गया। हाँ जी गोविंदा जी, बट ए टैक्सिंग डे, मैंने बहुत ज्यादा काम किया। बिलीव मी, मैं आपका बहुत ज्यादा फैन हूँ। जब भी मैं कुछ ऑपरेशन वगैरह करता हूँ तो मैं आपकी फिल्म लगा देता हूँ, ऑपरेशन चाहे सही हो गलत, पेशेंट का मनोरंजन होता रहता है। गोविंदा जी, इफ यू डोंट माइंड, आपकी फिल्म में अगर मैं रॉन्ग नहीं हूँ तो एक डायलॉग था जो आपने बोला गया था, पर यार आपने डायलॉग बोला, बट मेरे को कोई थप्पड़ मारता मेरा यही पार्ट सूझता है, ऐसा क्यों आपके यहाँ मेरे यहाँ पे सूझता है? एक दिन तो आपकी गर्दन भी सूजी हुई थी यहाँ से। नहीं नहीं, वो तो पेशेंट की हाइट कम थी ना, उसका हाथ ही यहाँ तक पहुँच गया। ओए तुम लोग नाच क्यों रहे हो? यार सेलिब्रेटिंग है। गोविंदा जी आए तो मैं खुश हो गई। अच्छा, हाँ वाह बेटे, कमाल हो गया, तुम तो डॉक्टर बन गए यार रातों रात। नहीं डैडी, मैं डॉक्टर नहीं बनी हूँ, मुझे मेरे कपड़े नहीं मिल रहे हैं। तुम्हारे कपड़े खजूर को गिफ्ट कर दिए उन्होंने। क्या आपको पता है ना डैडी, मेरे पास एक ही सूट है, मैं कॉलेज क्या पहन के जाऊंगी? देखो कैसे आजकल बेवकूफ बच्चे होते हैं, अब ये डॉक्टर बन गया, इसको कॉलेज जाने की क्या जरूरत है? ओह गॉड, मतलब जनरली लोगों के बच्चे नालायक निकलते, मेरे तो पापा ही नालायक निकले। बाजी ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये बहुत ही रिस्पेक्टेड, मतलब इन्होंने कमीनेपन का डिप्लोमा किया हुआ है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ डीट। डीट, वेरी गुड। अब कप्पू पापा तो मैं चुन नहीं सकती ना, वो तो मेरे हाथों में है नहीं, लेकिन तुम याद रखना मेरी शादी का जोड़ा सिर्फ तुम लाओगे। ये सिर्फ जोड़ा लाएगा लेकिन शादी में आएगा नहीं, ओके? क्योंकि ऐसे लोग जो फालतू बकवास करते हैं ना, ये पनीर खा जाते हैं शादी में सारा। पनीर की बात में सोचना, पहले पालक जैसी बेटी के लिए लड़का ढूंढो आप। खबरदार, अगर मेरी बेटी को तुमने पालक कहा तो। पापा पिछली बार टिंडे कहा था। वो तो बेटी लगती भी है तू थोड़ी थोड़ी। पर पालक इज आउट ऑफ सिलेबस। पापा अब गोविंदा जी से कुछ सीखते क्यों नहीं है कि अपनी बेटी की परवरिश कैसे करते, सीखिए ना कुछ। उनकी बेटी भी देख कितनी खूबसूरत है, तेरे को देख के ऐसा लगता है चार्ली चैपलिन बिना मूंछों के आ गया। हाँ यार वैसे ही लगती है, मैंने कभी नोटिस नहीं। बेटा एक काम करो, अंदर जो अपना 3 नंबर बेड का पेशेंट है ना, उसका मुंह धो, उसको लड़के वाले देखने आ रहे हैं। पेशेंट की शादी की चिंता है आपको, मेरी शादी की चिंता नहीं है? बहुत चिंता बेटा मुझे तेरी शादी की। तो फिर आप कप्पू से पूछते क्यों नहीं मेरी शादी के लिए? नहीं पूछने क्यों नहीं बेटे, कहाँ राजा भोज, कहाँ ये गंगू तेली, हमारा कोई कंपैरिजन है? एक्सक्यूज मी, इसे गंगू तेली नहीं कहिए, हम दिखाते हैं कप्पू क्या है।
बॉलीवुड में बहुत सारे ऐसे डांस स्टेप्स हैं जिनको गोविंदा स्टाइल कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि ये सेट पे जब जाते हैं शूट करने गोविंदा सर बहुत सारे स्टेप्स इंप्रोवाइज करते हैं, तो अपने आप इनका स्टाइल उसमें आ जाता है। सर हम एक जनता की फरमाइश पे, आपका गाना नहीं होगा जी, गाना कोई और होगा, लेकिन आपके स्टाइल में देखना चाहते हैं हम। देखिए सर दोनों हाथ से दुआएं देते हैं लोग आपको। राग बजता है, रंग बजता है, प्यार का अंग अंग बजता है, आप जब नाचते हैं हजूरे वाला जनाब आली, ऐसा लगता है रूप का जल तरंग बजता है। क्या बात है, अभी क्या है या हम लोगों के तौर तरीके ना इस तरह से हुआ करते, मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू टीच, शब्द पे अलग हो और रिदम पे अलग हो। अच्छा ये इसका तो बहुत ही मजा है, ये नेचुरल चीज़ है, कई लोग शब्दों पे ज़्यादा ध्यान दे देते हैं। करेक्ट, जैसे कोई गाना गाना कि नज़र के सामने जिगर के पास, तो डिटो लाइन टू लाइन जाते हैं, नज़र के सामने जिगर के पास, कुछ तो करते हैं पता नहीं। ओके मैंने भी ऐसे फालतू में बोल दिया कुछ भी। ये सिस्टम की बैंड बजी, मैं कह रहा हूँ कैसे। हाँ ये शुरुआत तो ऐसी ही हुई थी, दिल यहाँ हुआ करता था चले आंखों में। ये ना जी, और फिर उसके जहाँ वो हुआ करता था वहाँ पे वो पहुँचा। जी आदरणीय शक्ति कपूर जी ने और करुण मास्टर जी जी उन्होंने दिल का देखिए क्या हाल किया, दिल 2 फुट नीचे आ गया। दिल गलत जगह पे लगा दिया भैया। देखिए जैसे कपिल के साथ में मैंने ये देखा है कि आज कपिल जो है ये इतने, शायद इसे पता भी नहीं होगा कि ये कितना बड़ा स्टार हो गया है। कई बड़े बड़े सुपरस्टार्स मैंने देखे हैं, परंतु जो प्रेम जैसे इसका नाम आता है तो लोग कहते हैं कि हाँ फलाने फलाने एक्ट्रेस को यहाँ आ जाए, हाँ कपिल अच्छा वैसे ही वैसे ही। अच्छा वैसे ही करता है, डू यू नो दैट ऑल स्वीट सर, थैंक यू सर, प्यार है सर आप लोगों का सबका। सर मुझे एक बात और पूछनी थी, अब आपने ये कहा है जैसे आपकी तो इतनी तारीफ होती रही है कई सालों से होती आ रही है, जब कोई ऐसे तारीफ करे तो कैसे एक्सप्रेशन देने चाहिए, मुझे समझ नहीं आता कि मतलब बड़ा बदमाश है। मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहते हो कि आप जहाँ हैं आप वहाँ रहें जी। तो हाथ जोड़ते हुए और बहुत तमीज से और ये समझ के कि भैया ये जुड़े हैं और अब ये जुड़े ही रह जाएं, और जितने वर्ष ये जुड़े रहेंगे उतने वर्ष मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, और ये कृपा जो है ऐसी रहे, और ये लोगों की जो नजरों में प्रेम है जी, ये बरकरार रहे। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पॉलिटिक्स में ना आप सोए नहीं होते 2-3 दिन, गाड़ी में जब बैठते हो ना हाथ जुड़े ही होते हैं। ओ सड़क वाले छतरी का जी छतरी का वो तो छोड़ दिया है उसके बावजूद जुड़े हुए हैं। ये आया नाले पे दला। अच्छा भाई सच्ची बात है, पॉलिटिशियन होता तो इंसान ही गुस्सा नहीं आता उसको कभी कभी, नहीं किसी को गुस्सा है निकाल उसके बाहर, गुस्सा भी आए तो भी ऐसे मैं जूता मारूंगा आपके। कभी नहीं कभी नहीं, आई थिंक ये प्रेम सभी को मिलता नहीं है किसी के लिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका ये प्रेम जो है ऐसे रहे, और जूता मारूंगा और ये करूंगा वो करूंगा नहीं नहीं मैं ऐसे। मेरे 29 साल में मुझे फर्स्ट टाइम कहीं पे क्रोध आ गया और वो ऐसे चलाया गया टेलीविजन में जैसे कि पता नहीं मैंने क्या गुनाह कर दिया। वो हमने सुना 29 years 29 साल में मशहूर, मतलब कि कभी मैंने किसी के साथ हाथ नहीं उठाया, कभी किसी को गाली नहीं दी, कभी किसी के खिलाफ नहीं कहा, धन्यवाद ही देता रहा, बल्कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ज़्यादा प्रणाम प्रणाम करता रहता है बदमाशी। जो गाली वाली देखते हैं ना लोग कहते हैं वही वही करेक्ट है, गुड पर्सन है, ये सब मुंह पे कह देता है सच में। जो हाथ जोड़ा हुआ होता है वो लगता है तो कहीं तो इसके दिल में कहीं है, कहीं है।
वो लोग ये नहीं अप्रिशिएट करते कि साला इसकी संस्कृति घर परिवार की इस तरह की है। मेरी मम्मी साध्वी थी, अब वो साध्वी घर परिवार से निकल के जो आया हुआ हो वो तो मंत्र ही पड़ेगा, वो यही सब कहेगा। मुझे हमको तो दारू पीने के लिए जमाने लग गए यार। मैं जिस वक्त 33 ईयर ओल्ड हुआ तो मैं मुझे गई डिस्को में ले गए इन लोग, तो उस तो पहले मैं डिस्को नहीं गया था, कैन यू बिलीव इट। और मेरी जितनी फिल्में हैं वो सब उसके म्यूजिक डिस्को इसको मैं बजा करता था उस जमाने में। तो मैं उस वक्त गया तो मैंने मम्मी से फ़ोन लगाया कि मम्मी मैं बियर पीना चाहता हूँ। क्या बियर पीना चाहता हूँ? फ़ोन किया आपने? मैंने फ़ोन किया उन्हें, तो मम्मी ने कहा अच्छा, प्रवचन दिया गया मुझे कि ऐसा क्या नशा करना जो आप करें और सुबह उतर जाए। क्या बात है, फिर आपने बाद में पी बियर की? बियर पी के नहीं, ये है सवाल। 37 साल में मैंने भी पहली बार सर वाइन पी थी, और वो भी हवाई जहाज में, कपिल देव साहब ने पिलाई थी कि ये रेड वाइन है, ये सेहत के लिए बड़ी अच्छी है। अरे शहरी ये पीला रंग लाल हो जाए, और गटक नहीं है ये, ऐसे नहीं है सिप सुप लेने, कौड़ी है। मैं कौड़ी है पाजी, मिठी है क्या कौड़ी है? मैं खटाक करके मारा है। सामने कपिल पाजी खड़े, सामने क्या दिख रहा है? मैं कहा दो कपिल देव दिख रहे। तो आपने इतनी सी पी थी ना? अगर आपने थोड़ी और पी होती तो पाजी ने कहा उठो भाई जहाज मैं चलाऊंगा, आज तेरा भाई उड़ाएगा जहाज। अरे सर, जैसे आप कोई, जैसे हसीना मान जाएगी मैं, आप अपने एक चाचा का किरदार करते हैं, वो बड़ा मजेदार सा, तेरे को पकड़ देंगे, तो ये आप ऑब्जर्व करते हैं अपने आसपास यार दोस्त सोसाइटी में से, कैसे करते हैं सर ये? ये रियल लाइफ से मिले हुए जितने करेक्टर्स हैं मैंने फिल्मों में किए। अब ये जो करेक्टर जो है मैंने उसे अमृतसर में देखा था, और वो उनका नाम ही हमने सड़ा सड़ा टाइप का रख दिया था, बहुत ही सड़े हुए रहा करते उस ज़माने में वो। तो आप मुझे पूछो ना कैसे कैसे हो। और भाई साहब कैसे हैं? कैसे आज पूछने लगे कैसे? इससे पहले याद नहीं है कैसे? मेरे को पैसे नहीं थे, कोई पूछता नहीं थी। आज पैसे आ गए तो कैसे? पाजी कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं जिनका हाथ हमारे हीरो नंबर वन की कामयाबी के पीछे है। प्लीज जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। प्रीतमा, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू। और आपके आने से पहले हम अपने आपके मियाँ जी के साथ काफी मस्ती मजाक कर रहे थे जी। अच्छा, ये घर में जैसे हम लोग, मैं जितना गोविंदा सर को जानता हूँ पर्सनल तौर पे, कि ये बहुत ही भगवान का नाम लेने वाले पर ये घर में भी ऐसे ही है, मतलब क्योंकि पूरी दुनिया को इन्होंने एंटरटेन किया है, पर घर में ऐसे चुपचाप ही रहते हैं ज्यादातर। घर में मैं इनको एंटरटेन करती हूँ। मैम, हमने गोविंदा सर को ज्यादातर देखा फिल्मों में, हीरोइन को कभी सीधे तरीके से फूल दिया ही नहीं, छेड़ छाड़ के घुमा फिर आके, तो ये मतलब आप तो क्योंकि आप इनके बेटर हाफ हैं, आप ज्यादा जानती हैं, ये मतलब इसकी इन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली है, इनबिल्ट है इनमें? नहीं, जब हमारा अफेयर था तो मैंने ही सिखाया इनको। तो मतलब ये आपने सिखाया है? हाँ जी। तो फिर आप पे इस्तेमाल कैसे किया, मतलब आपको इंप्रेस कैसे किया था इन्होंने? तो मैंने इनका हाथ पकड़ा। ये तो बहुत सीधे थे पाजी, मतलब हीरो नंबर वन, कुली नंबर वन फिल्मों में, रियल लाइफ। आप देख लेना मेरी बोलती बंद हो गई। पर नहीं मैम, हमें एक्चुअली बहुत कमाल का वाकया आई वुड लाइक टू से, मैं शूटिंग कर रहा था जी, तो खुशबू के साथ मेरा फिल्म सीन शूट हो रहा था, वो मेरी पहली फिल्म की हीरोइन थी, तो मुझे पत्रकार और जितने फोटोग्राफर्स आए हुए थे वो कह रहे थे अरे ये ठीक से पकड़ो ना, क्या कभी हीरोइन को हाथ नहीं लगाया? तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं। तो सरोज जी ने मुझसे पूछा, गोविंदा तेरा कभी अफेयर नहीं हुआ कभी किसी के साथ? अच्छा, मेरा जी मैं कभी नहीं, टच तो किया होगा कभी किसी को, टच तो किया है क्या? जी नहीं, मैं कभी बिना फेयर के आदमी टच कैसे करेगा? ये तो कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, तो फिर तो खैर, तो मुझे कहा कि अच्छा, इसे ये भी नहीं पता है कि कैसे हीरोइन के साथ में अभी कैसे करें ये सीन, तो आज तो शूट ही नहीं हो सकता, तो उस दिन शूटिंग ही नहीं हुई। हम मुहूर्त से वापस आ रहे थे, मेरे जिया जी का मुहूर्त था, राइट, उनकी फिल्म का था, बीच में मेरा भाई बैठा था और ये एक तरफ थे और मैं एक तरफ, तो इन्होंने हाथ ऐसे रखा था, तो
तो मैंने बोला अब हाथ रखा है तो मैं भी जरा हाथ बढ़ा ही लूँ, तो मैंने इनकी ऐसे करके हाथ छू ली, तो इनको तो डर लग रहा था छूने, तो मैंने बोला पकड़ ही लो अब जो छुआ है तो। वो जो हाथ पकड़ लिया उसके बाद में फिर हाथ हाथ में ही रह गया, आज 29-30 साल हो गए। तो मतलब हीरो वाले काम ज्यादा भाभी ने किया। हीरो है ये, हम लोग के घर परिवार के धर्मेंद्र है। तो मतलब मैम आपको इंप्रेस करने के लिए इनकी तरफ से कुछ ज्यादा एफर्ट हुए नहीं बेचने के लिए? हर चीज मुझे ही करना पड़ा। तो मतलब ये बिल्कुल चुपचाप ही थे, सीधे है ना? दिखता उठता नहीं, नहीं मेरे साथ तो ऐसे ही है, पता नहीं भी बाकी। आपको पता है पाजी, सुनीता मैम और गोविंदा सर की जब शादी हुई ना, पहले 4 साल किसी को बताया नहीं इन्होंने। उस समय में ये लोग कहा करते थे कि आपके मतलब पता लग गया कि भैया आपकी शादी हो गई है तो आपकी फैन फॉलोइंग जो है वो तो चली जाएगी, और उस वक्त वर्क जो है हम लोग के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता था जी कि भैया काम मिला है इतने साल बाद। तो लोगों को पता नहीं है कि गोविंदा इज ऑलरेडी मैरिड, आप बीवी हैं, लोगों को ये भी नहीं पता, लोगों को लगा कि अच्छा कोई वैसे शूटिंग देखने आया। तो जब इनकी फीमेल फैंस जो थी इन पे गिर गिर के हाय फोटो, तो आपका रिएक्शन क्या होता था उस समय? अभी हीरो है ना, तो 2-4 लड़के नहीं ना गिरे तो क्या फायदा? हीरो ने 2-4 अफेयर ना किए तो क्या फायदा? तब जाके तो हीरो हीरो लगता है। टाइमिंग वैसी ही है जैसी गोविंदा की वाइफ की होनी चाहिए, ठीक है, सुपर डिजर्विंग। सर ये टाइमिंग कहीं यहीं से तो नहीं आती आपकी? वाकई बड़े बड़े लोग चुप हो जाते हैं, आज खुद चुप बैठे हुए बंद हो गए। आपको सुनीता मैम की कौन सी वो चीज थी जिसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया कि खाली आपने देखा खूबसूरत हैं? मेरा प्रेम बहुत ज्यादा देखने परखने और सोचने के बाद जो प्रेम करते हैं, मुझे लगता है कि उनके प्रेम में जो है उनकी चाह में उनकी चाह होती है, चाह से बियॉन्ड चाहिए आपकी प्रेम, आपका प्रेम प्रेम हो जाता है। तो आपका भी सेम ही कहना है जैसे गोविंदा सर ने प्यार की परिभाषा दी, तो आपने भी कुछ नहीं देखा, खाली आपने देखा कि बस? मैंने तो देखा कि सीधा साधा आदमी है, लंबा जाएगा तो पकड़ ही लो। तो पकड़ ही लो। ये लंबा जाएगा बहुत आना। ये क्या बात है? अच्छा है वो, अच्छा है, अच्छा अच्छा। सच निकलता जो है उसमें बुराई कितनी हो, बुराई फिर भी खराब नहीं लगती हो, सच होता है वो अच्छा लगता है। पाजी आपने जब पहली बार देखा था भाभी को, हाँ, तो आपके मन में क्या आया था कि शरी यही? मैं गाड़ी चला रहा था। अच्छा। मेरे साथ मेरे दोस्त पीछे बैठे थे, वो गप्पे शप्पे लड़ा रहे थे और वो सामने से पगडंडी पे चली आ रही थी, तो आप जानते नहीं थे? सुन तो नहीं है वो, मतलब थी इतनी खूबसूरत, मैंने जब देखा ना उसको यूं करके, मॉल रोड पे जा रहे थे हम, 70 की स्पीड थी। अच्छा। मैंने जब देखा मैंने ब्रेक मारी, वो दोनों दोस्त ठा करके वहां तो सर तेरा क्या हुआ क्या हुआ? क्या हो गया, जब होना था बस। पाजी आजकल ना रिवाज है, आजकल क्या सदियों से चलता आ रहा है, हाँ, कोई भी आदमी जो होता है उसकी बीवी या उसकी गर्लफ्रेंड प्यार से छोटा नाम रख देते हैं, जैसे नवजोत सिंह सिद्धू शेरी है ना, मेरे को कपिल से कप्पू बोल दिया, गोविंदा सर को चीची। तो आप भी इनको प्यार से कुछ अलग नाम से बुलाती थी कि आप भी चीची कहती थी? नहीं मैं इनको लव्वू। अरे क्या बात है, ओ बड़े पूरे खुल रहे सर जी आज। अच्छा पर्सनल जब घर में बैठे फिर तो ठीक है, इसके आगे किसी के सामने मैं आपको कहे नहीं, मैंने नहीं सुना नहीं। अच्छा आदमी की हिम्मत नहीं होती, चाहे कोई कितना बड़ा फ्लर्ट हो, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती कि मैं अपनी बीवी के सामने किसी और औरत की तारीफ करूं। हाँ। कभी गोविंदा सर ने आके घर में बताया कि सुनीता आज मैं एक हीरोइन के साथ एक सीन करके आया हूँ, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी अच्छी है, ऐसा कभी हुआ? मुझे तो बड़ा मजा आता है सुन के। और बोलते थे? हाँ, बहुत बार। अच्छा। और मैं मजा लेके सुनती थी, वाह मेरा पति कितना आगे जा रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग यार, कमाल कर दिया। भगवान ऐसी पत्नी सबको दे। शाबाश, मेरा पति आगे जा रहा है। मुझे सब मैं जिस वक्त पॉलिटिक्स में आया तो somebody tried to play a politics with her, I think so. तो किसी ने इसको कह दिया महफिल में, सुनता जी आपको पता है आपके पति क्या कर रहे हैं? वो जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, वो हीरो है वो कर सकते हैं, आप पॉलिटिशनर हैं, आप कुछ भी नहीं कीजिएगा गलत। आपने सुनीता मैम कभी पूछते थे आप कि अच्छा आपने फिल्म तो साइन कर ली, हीरोइन कौन है?
कभी इंटरेस्ट लिया आपने ऐसा? नहीं नहीं, ऐसी कोई लायक ही नहीं थी ना, इसीलिए ऐसी कोई मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था मेरे पे। अच्छी बात है। सर ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है, लगता तो मुझे भी होता है कि मैं आपको जब डांस करते देखता हूँ कि मैं ऐसा डांस शायद कर लूँगा, होता नहीं है क्योंकि समझने में, सोचने में और करने में बड़ा अंतर है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको ये लगता है कि मैं भी हूँ गोविंदा, वो आपके डांस स्टेप्स फॉलो करते हैं, बड़ी देर से उनको कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं। अब वो कैसा करते हैं वो यहीं पर आगे बताएंगे। जी कौन कौन है मेरे दोस्त जो जिनको लगता है कि मैं भी गोविंदा? जी अच्छा वाह, महिलाएँ भी हैं, एक दो पीछे तीन चार। अच्छा जी 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 मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं गोविंदा जी की बहुत बड़ी फैन हूँ और मुझे गोविंदा के नाम से ही जाना जाता है मेरे पड़ोस में बचपन से। मैं जब कॉलेज लाइफ में थी तो पैंट शर्ट पहनती थी और तो हमेशा आजू बाजू वाले बोलते थे गोविंदा, और वहाँ कृष्ण जन्माष्टमी में, कृष्ण जन्माष्टमी में जब हांडी फोड़ होता है तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करती हूँ, हर साल फर्स्ट आती हूँ, तो मैं गोविंदा के नाम से जानती हूँ, लेडी गोविंदा बोलते हैं मुझे। थैंक यू सो मच। हाँ स्वीट, कितना तेज तेज बोलती हैं आप। तो आपके पतिदेव नहीं आए साथ में? नहीं। लो उनका गोविंदा इधर बैठा है, वो कहीं और ही ना, कहीं श्रीदेवी बने हो किसी के साथ। एक फोन करते रहा करो बीच बीच में एमपी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आप भी मुझे कहना चाहेंगे? ये भाई साहब को माइक दे दीजिए, इनसे भी बात कर ले। आई एम चिराग, मैं खास दुबई से आया हूँ आपके आपका शो देखने के लिए। थैंक यू। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि एवरी सैटरडे संडे 9 o'clock हम यू नो वी स्टिक टू द टीवी एंड हम पूरा दिन टीवी के सामने, एक्चुअली उस टाइम पे टीवी के सामने रहते हैं। मतलब टीवी पे चिपक जाते हो एकदम एकदम बाजी और एकदम। और यू नो हमारे घर पे ऐसे बच्चे भी होते हैं, मेरा खुद का छोटा भाई है अभी, उनको भी बोलते हैं कि अंदर जाके पढ़ाई करो, हॉल में टीवी देखने, तो भी ऐसे चुपके चुपके यू नो थोड़ा सा दिख जाए बस, यू नो वो कपिल अभी हंस रहा है, कोई जोक हो रहा है। तो आपके शो के हम बहुत बड़े फैन हैं। आपका भाई कितना छोटा है? वो 6 साल का है। तो आप कितने साल के हैं? 22 साल का। इतना बड़ा गैप? वो मेरे पापा एक्चुअली सिद्धू भाई जी के बड़े फैन है, वो स्टार्ट स्लो कर दें फिर लंबे छक्के मार दें। वाकई सर आपके वाकई बड़े फैन है। क्या करते क्या आप दुबई में? जी सर मैं एक्टिंग भी करता हूँ, मैं डांस करता हूँ, मैं डांस सिखाता हूँ। तो एक काम करते हैं आप सब आ जाइए, इस तरफ भी मेरे कोई दोस्त है। सबसे पहले जिनसे हमने बात की, मैं चाहूंगा कि आपके साथ गोविंदा सर आपको देखना कि रियल में आपका सबसे बड़ा फैन कौन है और ज्यादा अच्छे तरीके से कॉपी आपको कौन करता है। तो जी मैम आप कौन से गाने पर डांस करना चाहेंगी? सर मैं गोविंदा जी की हंसी हंसती हूँ। अच्छा हाँ। तो प्लीज जरूर मतलब कुछ मैडम 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 सिद्धू जी की हंसी आती है आपको? जैसे सिद्धू जी हंसते हैं खुल के? नहीं 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 मत कर रहा। सिद्धू जी कैसे हंसते हैं? कैसे कैसे ताली। तो सुनीता मैम आपने तो करीब से गोविंदा सर को हंसते हुए देखा, आपको लगता है हंसी मिलती है इनकी? नहीं इतना तो खतरनाक नहीं हंसते। आइए मैम आइए, पर आप बहुत क्यूट है, आइए। बहुत क्यूट है भाई आप। अब हमारे पुरुष दोस्त, तो जैसे कि सर आपका ओम शांति ओम में जो कैमियो था जी शाहरुख खान के साथ, तो आप बस गले मिलते हैं एंड शाहरुख खान आपको ऐसे फोर्स कर देगी प्लीज प्लीज एक एक स्टेप कर दीजिए, आप ऐसे एकदम नहीं करके सेम भोपाल में एक आदमी ऐसे पान देता है उसके रश बड़ा होता है। ये तो नहीं था इनका झटका आता है वो सर कोरियोग्राफर ने ऐसा स्टेप दिया तो मैंने भी कर अच्छा, दिया। अच्छा तो अभी आप अपना किसी गाने में परफॉर्म करना चाहेंगे अभी? नहीं सर एक छोटा डांस गोविंदा जी सर, के साथ। ये आपके साथ ही करके मानेंगे। फाइव बजा देना गाना। हाँ। जी थैंक यू लॉट सर। ब्रदर आपने ना आप बहुत कॉन्फिडेंट और बड़े विटी हैं आप, बड़ा मजा है आपसे बात करके। आपको क्या लगता है कि गोविंदा सर के साथ जो आपने डांस किया इसके बाद आपके स्टूडेंट्स की गिनती में इजाफा होगा कि कम हो जाएगा? माइक ले लीजिए। आपका शो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि ऑब्वियसली ऊपर ही जाएगा। हाउ स्वीट थैंक यू। वैसे बच्चे भोले होते हैं उनको कहाँ अच्छे बुरे का पता। अच्छा करें पब्लिक अजीब अजीब डिमांड करती है। अच्छा कहते सुनीता मैम का और आपका डांस
बात करने वाली अरे ये कहावत जो बनी ना कि जोड़ियां ऊपर से बनती हैं, ये आज सच हो गया। बिल्कुल आप तो डांस में भी नहीं बोलने देती। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम। सो सुनीता मैम, गोविंदा सर आपके बहुत सारे चाहने वाले हैं, और सुनीता मैम को पहली बार वैसे ही गोविंदा सर के साथ आप टीवी पे देख रहे हैं, तो बहुत सारे सवाल हैं इन लोगों के मन में, जिन जिन को जो जो पूछना है फटाफट आप खड़े हो जाइए। जी सर। नमस्ते सर। नमस्ते। मैं सर बिहार से हूँ, मुझे आपका डांस डायलॉग वगैरह, आपका चलना बोलना सब स्टाइल सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक मैं आपको डायलॉग मैं आप ही के फिल्म का सुनाना चाहता हूँ। तो आप क्यों सुनाना चाहते हो, उन्होंने ठीक नहीं बोला था? नहीं सर, वो बोला था ठीक सर, लेकिन मुझे अच्छा लगा सर का डायलॉग। जी, प्लीज प्लीज। हमको मेरे को ससुर थोड़ा हटके चाहिए ऐसा, जिसको देख के पब्लिक पुलिस सड़क पर से हट जावे। और अरे काम करो आप ना, आप ये लाइन बोलो हम करेंगे। चलो भाई, मेरे को थोड़ा ससुर चाहिए। और जैसे अभी आप ये गोविंदा सर का कैरेक्टर था, इन्होंने जो किया था उसमें हर बात को हुड़ हुड़ करते हैं। एक काम करो, एक नई चीज टेक्निक करते हैं, आप एक लाइन बोल के ना कि मुझे ऐसा ससुर चाहिए, डिश्के हैं ये करो, ऐसे ट्राई करके देखो। हाँ। नई चीज, नया आविष्कार करो यार दुनिया में। डिश्के हैं मुझे ससुर ऐसा चाहिए हटके, डिस्को है जिसको देखे पब्लिक हट जावे, डिस्को है और मोहल्ले पर से पब्लिक हट जावे, डिस्को है। हां बॉस चपड़ कंजू, पुलिस स्टेशन से पुलिस हट जावे, डिस्को है। पर अच्छा लगा ब्रदर आपसे मिलके, मजेदार आदमी आप। थैंक यू सर। जी और कोई मेरे दोस्त मित्रगण? जी जी सर। भाई गोविंदा सर जी, हम लोग गोकुल धाम से कुछ सीनियर सिटीजन बोलते हैं, लेकिन हम 70 वर्ष के जवान हैं और हम लोग आपके साथ डांस करना चाहते हैं। क्या बात है, बहुत प्यार से करना चाहते हैं। कहाँ से हैं सर आप? अरे गोकुल धाम में फिल्म सिटी रोड से, हम लोग सीनियर सिटीजन का क्लब है हमारा, हम लाफ्टर क्लब में जाते हैं और जब भी गोविंदा साहब का नाम सुनते हैं तो हमको उसी टाइम पे डांस करने की इच्छा हो जाती है अपने आप ही। आइए आइए आप। हाउ स्वीट, आइए आइए। अच्छा आपके दोस्त भी आए? जी आइए आइए। वाह वाह क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर सबसे मिलके। सर मुझे एक बात जाननी है आप सबसे, सर जो लाफ्टर क्लब में जब जाते हैं आप, तो मैंने देखा है बहुत बार ऐसे गुजरते हुए पार्क में, बहुत सारे ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो हैं हमारे देश के, उन्होंने लाफ्टर क्लब बनाया तो वो हंसते हैं, तो सर ऐसी कौन सी बात होती है जिसपे हंसते हैं आप? ऐसी कोई भी फनली एक्टिंग करते हैं या कोई भी कोई जोक होता है कोई बात, उस पर हम लोग सब हंसते हैं। अच्छा कई बार तो मैंने देखा है मेरे ऐसे हमारे अपने रिश्तेदार, मेरे ताऊ जी या ऐसे ना बड़े सारे उनके दोस्त आते हैं, वो बहाना ढूंढते हैं छोटी छोटी बात का, अरे पता है आज मैं कहते उल्टी बनियान पहना आया, कहते तू इनको कहती है मजा आना चाहिए, तू हंसा के देख इनको, सब हंसेंगे देख, तू एक बार करना सर। मुझे वैसे ही मजा आ रहा है सर आपको सबको साथ में देख के, बहुत बहुत धन्यवाद सर। छा गए सर, छा गए आप। जी और कोई मेरे दोस्त? जी जी सर जी। गोविंदा जी, जी कोई आपके एक्टिंग के दीवाने हैं, कोई आपके डांसिंग के दीवाने हैं, लेकिन मैं आपका सिंगिंग का दीवाना हूं, तो आप कोई भी पुराना आपके मनपसंद कोई गीत सॉन्ग सुना दीजिए। सर हो जाए फिर, माइक आपके बिल्कुल पास है। ओके। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, आगे भाई, तू है तो दुनिया कितनी हसी है, जो तू नहीं तो कुछ भी नहीं है। महबूब मेरे, महबूब मेरे, महबूब मेरे, मैं भी कहूँ कुछ निमी
ਵੱਜਦੀ ਨਾਲੇ ਵਗਦੀ ਪੂਰੇ ਦੀ ਹਵਾ ਹਾਏ ਜੋਗਿਆ ਹਾਏ ਜੋਗਿਆ ਹਾਏ ਜੋਗਿਆ ਹਾਏ ਜੋਗਿਆ ਹਵਾ ਏ ਮਤਵਾਲੀ ਰੁਕ ਜਾਏ ये मत वाली चाल झुक जाए फूलों की डाल चांद और सूरज आकर मांगे तुझसे रंग जमाल हसीना तेरी मिसाल का ये मत वाली चाल ओ पानी छन्ने बिचो का ਚਲੂ ਲੈ ਪਾਣੀ ਛੰਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਪੀਤਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਦਿਸਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਚਲੂ ਲੈ ਤੈਨੂੰ ਸਜਦਾ ਹੀ ਤਾਂ ਕੀਤਾ मजेदार था ये। हम लोगों ने एक सोनी टीवी की वेबसाइट पे एक कॉन्टेस्ट शुरू किया था sonylive.com पे कपिल से मिल जिसका नाम था और आज उस कॉन्टेस्ट के विनर मिस्टर इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान कहाँ से आए आप? मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश से तो आपका बहुत बहुत स्वागत इमरान। क्या करते हैं आप मध्य प्रदेश में? सर अभी तो स्टडी कर रहा हूँ। उसके बाद? उसके बाद सर एक्टर ही बनने, इसलिए एक्टर बनना है। तो क्या स्टडी करते हैं इमरान आप? अभी सर 12th है मेरी। 12th में आप? तो आपने एक वीडियो अपलोड किया था sonylive.com पे। जी। सो आप उसके विनर हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आए। थैंक यू। थैंक यू सर। अच्छा गोविंदा सर, आपने कभी कोई फिल्म तो नहीं प्रोड्यूस की अभी तक ना? अभी तक तो नहीं किए, अब की है। अच्छा। होम प्रोडक्शन में पहली फिल्म है मेरी जिसका नाम है फाइल ऑफ अभिनय चक्र, आ गया हीरो। आ गया हीरो। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उतना ही इसे पसंद करेंगे जितना मैंने जैसे पहले फिल्में की हैं। बहुत साल पहले हम लोगों ने फिल्म बनाई थी, हत्या नाम था उस फिल्म का। जी। उस वक्त जिस वक्त वो फिल्म की थी मैंने, तो लोग कहा करते थे कि ये तो खुद बच्चा है, बच्चे के बाप का रोल कहाँ से प्ले करेगा ये, कहाँ से। फाइन, जिस वक्त रिलीज़ हुई इट वॉज़ अ सरप्राइज। और मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म जो बनी है इस वक्त अगेन ये सरप्राइज़ होगा। और मैंने देखी है फिल्म, मुझे बहुत अच्छी लगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद। बिल्कुल सर, लोगों को इंतजार रहेगा आपके फैंस को। अच्छा फिल्म चाहे ही गोविंदा सर अभी पहली प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन गोविंदा सर और सुनीता मैम ने मिलकर एक बड़ी ही खूबसूरत बेटी प्रोड्यूस की है जिनका नाम है टीना। मैं आपकी तालियों के बीच उनको बुलाना चाहूँगा। टीना आहूजा बैठिए टीना। अच्छा, जिन्होंने सुनीता जी को उस समय नहीं देखा जब इनकी नई नई शादी हुई थी, आप देख सकते हैं आज। कितना डिट्टो है ना बाजी। फोटोस्टैट। टीना मुझे एक बात बताइए। हाँ जी। आपने सिर्फ एक फिल्म की है और आपके बारे में ये भी सुन चुकी कि 25-30 आप मना भी कर चुकी हैं, तो आपको फिल्म करने में से ज्यादा मजा रिजेक्ट करने में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ मजा नहीं आता है, बट एक क्या होता है जब आप एक स्टार किड होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी होता है और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं। सो जस्ट टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू बी चूजी, सो दैट इज द रीजन। तो आपको मम्मी और पापा में से दोनों में से डर किससे लगता है ज्यादा? मॉम। एक स्पेशल वजह उसकी, मतलब पापा नहीं डांटते बिल्कुल? नो, नॉट एट ऑल। कितना कमाल की बात है ना, दोनों को इन्हीं से डर लगता है। पापा को मम्मी से लगता है, बेटी को मम्मी से लगता है। टीना, जब से आपने होश संभाला है आप पापा को ऐसे देखते आई हैं? घर में कैसे हैं, आपके साथ कैसे हैं? दूसरों के लिए तो सुपरस्टार है। नो नो, फॉर मी ही इज एक्चुअली लाइक अ नॉर्मल पंजाबी फादर। नॉर्मल पंजाबी फादर? या या, मतलब उनको जैसे ही पता चल जाता है कि आई हैव अ क्रश ऑन समबडी, जहां पे वो लड़का मिल जाए पहले ही उसको इंसल्ट कर देते हैं। हैं? मुझे लगा भाग के जाते कि अच्छा बेटी तुझे को पसंद है, इंसल्ट कर देते उसको। या या, कंप्लीटली लाइक अ प्रॉपर पंजाबी फादर। अच्छा टीना, आपको क्या लगता है कि आपको या आपके भाई को ज्यादा छूट किसे मिली है घर में, कि ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा लाडला है? आप है कि भाई छोटा? वो आपसे छोटा ना?
Yeah, but उस पे ज़्यादा नज़र रहती है, so I think it's me who gets. उस पे ज़्यादा नज़र रहती है? Yeah, कुछ ज़्यादा ही. ऐसे क्यों, क्या कारण लगता है आपको? He's little, उसको थोड़ा सा मम्मी ने बहुत ज़्यादा एकदम कॉटन की तरह वो किया तो. बचपन की वजह से. हाँ, and like वो abroad भी गया था एक साल के लिए. I think every month my mom has gone to London. Just to meet him. मैं I mean, आपको सच्ची में चिंता थी कि बच्चा ध्यान से रह रहा है कि आपका अपना दिल करता था घूमने का? मैं इसलिए चाहती कि बिगड़ ना जाए लड़का, हाथ से ना निकल जाए. तो कभी सरप्राइज मिला आपको? कभी आप गई हो तो कुछ सरप्राइज मिला? हिम्मत ही नहीं है. इतनी हिम्मत ही नहीं है. तो जब आप लंदन जाती थी तो पीछे गोविंदा सर पे नजर कौन रखता था? पता चला बेटे का ध्यान रख रही है, पता निकल गए. इनको तो छूट दिया हुआ है. इनको छूट दिया है, कुछ करते ही नहीं है. अच्छा ये अच्छा है, भी है, कुछ करते नहीं. इतना अच्छा बोल बोल के जब आदमी कर दे तो फिर बोलते हैं कि क्या करा क्यों. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स सर. आई डोंट माइंड डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, बट देन यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू शुड नॉट डिस्कस टू मच इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ. या वाह हजूर हजूर, मैंने सोचा था हजूर बेटा, हजूर बेटा मेरा, यू देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूं. कहां है गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद. तुम यहाँ भी बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. नहीं ना, है ना. रीता मैम, आपके पति के साथ शेरी मैम डांस कर रही है, क्या करना चाहेंगी आप? इनको, इनका मुंह तोड़ना चाहेंगी, ईंट मारना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलने वाली थी और चिपक के करो. सुनीता दीदी आप यहाँ, मतलब यहाँ कैसे? तीनों मेरी बच्ची कितनी सोनी है. How are you बेटा? Thank you. हाय हाय, हु बहु मुझ पर गई है ये. नानी खुद तो ऋषि कपूर पे गई है. निकल जा. नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं ऐसा कुछ नहीं, गैस कर. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. हाँ बहन बोलिए दीदी. पप्पू के नाना ना, वो भी राजा बाबू थे. बिल्कुल. क्या राजा बाबू के? वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते नाला पूरा अटक पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका. झूठ बोलती थी, कुछ भी बोलती है तुम. जो भी हो, मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी. हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे. क्या याद दिलाया तूने कप्पू. चीची आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज, एक बार उसी मूड के साथ उसी अंदाज में आंखों में आंखें डाल के. हटा साउंड. अड़ा सावन की घड़ा खा गुजा बत्ती बजा के सो जा. क्या निंटक ले पिंटुक ले मंटी पे घड़ेली अंटी बजा ली बार बार घंटी कुल्ला घुमा के पच्चीम को पलट ले वो तो क्या फुटले वटले चारा. नानी तुम ऐसे क्यों बैठी हुई? आराम से बैठो ना, इधर आओ. अब बातें करो आराम से. अगर वो तुझे उठा लेते ना तो फिर उठ नहीं पाते. गोविंदा जी आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूँ, ऐसा हो तो सकता नहीं ना. तो सही, गोविंदा आए और दही आंडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता. सर ये स्ट्रॉबेरी दही आंडी फोड़ेंगे आप? हिट मार के फ्लेवर्ड हांडी है ये. थर्मामीटर है ये, किस लिए? अपने मुंह में डाल लीजिए. मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे. मैं कह रही थी कि देखिए आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं, मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं, इसलिए नस नस. एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी बम्पर. बम्पर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना. बम्पर तुझे पता है कुली नंबर वन में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी उन्होंने. करीम मत, पागल है तू? वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी है उनकी. ओ हेलो मैम, हेलो बेटी. तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर वन की सबसे नंबर वन फैन कौन है? मैं. हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि
टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी? टेरिस पे मिलोगी या वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं, ये बोलते रहे तेरे को। ये मुझे ट्रक यहाँ है, नीचे मैं हूँ, ये कैसा मतलब, कैसी किस टाइप की नॉलेज है आपकी? कहीं आपने भी बिहार बोर्ड से टॉप तो नहीं किया है? ए, उसके मुंह क्या लग रही है? मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो कर रही हूँ, करो बात। हाँ, सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। मैं हूँ जी। ठीक है, ये देख लेते कि हम दोनों में से सबसे बड़ा फैन कौन है। हाँ, और बंपर नानी को काट ले, काट ले, काट ले नानी को, इधर काट के घड़ी बना दे हाथ पे। ऐसे पता चलेगा नानी? वैसे तो लेडीज का पसीना तुझे मर्दों वाला क्यों आ रहा है? अंदर गर्म हो रहा है। ये देखो पाजी, गांव बसानी और चिड़िया चुगे खेत। क्या फालतू बात कर दी तुमने? जो बातें आप कर रहे हो उनसे क्या यूपीएससी क्लियर होती है? आठवीं फेल की मार्कशीट जैसा मुंह है, बातें यूपीएससी की। हेलो मैम, हेलो, हाय भाई, तुम्हारे मुंह पे इतनी बातें होती रहती हैं, हैं? तुम अपने मुंह पे लिखी क्यों नहीं लगा लेते? पेज पे बात करना मना है, जैसे दीवारों पे लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ पे मत थूक। तो आप तो फिर भी थूक जाते हो, आपको अपने गधे की तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अरे मेरा भाई यार, तेरे मैं जुबान पे इंजेक्शन लगा के सुझा दो तो मेरे मेरे इम्तिहान ले रहे मेरा। एक मिनट यार, मेरे मेहमान आए, मुझसे बात करने दो। तेरे मेहमान है? गोविंदा जी नमस्कार। नमस्कार सुंदर जी। हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? सर ठीक है। चल तेरी बात का जवाब नहीं दे रहे उन्होंने, चलो सर जल्दी जल्दी केक काट दे, तो केक इसके मुंह जैसा हो जाएगा खराब। चलिए आइए, जल्दी जल्दी काटते। कैंची क्या है? कैंची? कैंची? अरे भाई हेलो, कैंची से केक कौन काटता है? दांत से मैं केक काट के दिखाता हूँ। कली तेज डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, इधर आइए, इधर बैठिए, इसका बर्थडे है, वो केक काटेगा, आप क्यों केक काट रहे हैं? ऐसे कौन विश करता है यार? मैंने आपको मैं एक बात बता दूं सर, आज थोड़ा सा बर्थडे मेरा भी है। तो थोड़ा सा? क्योंकि मैं ना स्लोली स्लोली काफी दिन तक पैदा होता रहा। अरे लेजेंड ऐसे ही पैदा हुए हैं जितने भी, मतलब क्या लोग। आपने कभी लिप टू लिप थप्पड़ खाया ऐसे पटक करके? देखिए इनकी बेहूदगी की बातें तो चलती रहेंगी। टीना आप आइए, आप केक काट दीजिए। लेकिन उससे पहले कैंडल तो लगा लूं। इतनी लाइट ऑलरेडी है, कैंडल जरूर वेस्ट करनी है। बल्ब लगे हुए हैं, फिर क्या लाइट पर कैंडल? दिवाले में जला लेंगे। एक मिनट, आप पहले ये बताइए कि आपको केक के लिए जो पैसे दिए थे उसमें जो बचा होगा लौटा दीजिए प्लीज। क्या 47 रुपए बचे थे, उसकी मैंने चाय नहीं पिलानी आपको? भाई केक खाने के बाद चाय कौन पीता है? मेरे पैसे दे दे 7 रुपए, मेरा हिस्सा जो बनता है। ओए चंदू, तूने केक चंदा के पैसे से इकट्ठा किया तूने? और मैं बैंक से लोन लेता। मैंने कहा भी सबने केक खाना, मैं अकेला पैसे क्यों खर्चूं? ये नहीं जरूर। अच्छा गोविंदा सर, जल्दी जल्दी केक काट दे, डॉक्टर साहब के मुंह में पानी आ रहा है, कहीं सोफा ना गीला कर दे। आइए आइए मैम, आइए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अब क्या हुआ? केक उसी को मिलेगा जो गिफ्ट देगा। अरे गिफ्ट तो मिलाई थी, गिफ्ट का गिफ्ट चाहिए कपिल शर्मा जी? क्यों नहीं मिलेगा, कौन से मुंह पे चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? नहीं ये गिफ्ट आपको भी दे देना है। चलो केक केक काटना शुरू करते हैं। एक मिनट एक मिनट, क्या एक मिनट एक मिनट लगा के रखा? ऐसे तो केक कटेगी नहीं, ऐसे नहीं होता। टूथपेस्ट का टेस्ट क्यों आ रहा है, वो भी ऐसे नमक वाला टूथपेस्ट? नहीं नहीं शेविंग क्रीम है ये तो, अभी शेविंग क्रीम। डॉक्टर साहब क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, मैंने पिछले हफ्ते खा के देखी है, सेम शेविंग क्रीम। चलिए फिर फाइनली केक काटे, काटे ही काटे। हैप्पी बर्थडे। अब क्या होगा गोविंदा साहब? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी
आपसे माफी चाहते हैं, थोड़ी धांधली हो गई है। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। इंजॉय।